सूक्ष्म मृदु विज्ञान चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वह लोग चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, वरना लाखों यूट्यूब चैनलों की भीड़ में कहीं हम न खो जाएं, कहीं आप न खो जाएं। हम तो अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके चैनल में मैं कभी आपकी भी मोबाइल में ना दिखूं, तो आप कैसे याद रखेंगे, इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सब्सक्राइब वही लोग करें जो नित्य प्रति वीडियो देखें, क्योंकि ये कोई आम चैनल नहीं है, ये सुख समृद्धि विज्ञान चैनल ये कोई आम चैनल नहीं है। अगर नित्य प्रति आप इसको केवल देखते हैं तो जीवन आपका बदलने वाला है। मैं आपको बताऊं, कल मेरे मोबाइल फोन पर एक कमेंट आया, वो कमेंट मैं आपको पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं अभी, कमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इससे आपको प्रेरणा मिलेगी और इससे ये भी होगा कि कुछ लोग जो पूछने लगते हैं कि जो आप बोलते हैं क्या सही बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, अरे भाई मैं सब कुछ सही ही बोलता हूं और झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं है। तो ये जो कमेंट आया था, वो कमेंट था कि संजीव सज्जन के नाम से इन्होंने लिखा है कि पंडित जी आपके चरण कमल चरणों को सादर प्रणाम करते हुए एक निवेदन है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाकर शिक्षा के रूप में आशीर्वाद दें। आपके जैसा अनेक महान और सभी वैद्य जी का वीडियो यूट्यूब पर देखता हूं, देखकर थोड़ा बहुत हमें आप सबों से जानकारी मिला है। और लिखते हैं, हमें जड़ी बूटी पर बहुत विश्वास है और आपके आशीर्वाद से बहुत सा आदमी सेवा भी कर रहा हूँ। मतलब ये वीडियो देखकर के दवाइयाँ बनाते हैं और सेवा भी करते हैं लोगों की। आपका फोन नंबर क्या है हमें जानकारी नहीं है, ताकि हम आपसे कुछ जानकारी और प्राप्त कर सकें। प्रणाम को इन्होंने प्राणायाम लिखा है, इनकी हिंदी थोड़ी सी, और लिखा विशेष मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, जवाब जरूर देना गुरुजी। मेरा नाम संजीव सज्जन, आपका शिष्य, ये झारखंड में देवधर से हैं, फोन नंबर भी लिखा है और हम जरूर इनसे संपर्क करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा इनको शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ही काफी लोगों ने लिखा है कि हम आपकी वीडियो देख करके लोगों का इलाज करते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोग ठीक भी हो रहे हैं। उसमें कुछ हरियाणा के हैं, कुछ हिमाचल के हैं, कुछ पंजाब के हैं, अब ये झारखंड से भी हैं ये। तो मैं जो भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो भी करूँ लोगों को लाभप्रद हो और लोगों के जीवन को बदले। और ये तो हो गया इनके प्रश्न का उत्तर। काफी हवा चल रही है, हो सकता है कि वीडियो देखने में आपको थोड़ा वो हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेज बोलता हूँ। तो अब दूसरी बात ये है कि इन्होंने लिखा, जो मेरे यहाँ से दवाइयाँ भेजी जाती हैं आप लोगों को, जो लोग संपर्क करते हैं, अच्छी से अच्छी दवा भेजी जाती है और अवश्य आप लोगों के रोग ठीक होते हैं, आप लोग धन्यवाद देते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात और है भाई मेरे, कि आजकल YouTube पर जाने कितने अपने आप को वैद्य घोषित कर रहे हैं, वैद्य की ABCD उनको नहीं आती, कोई उनके पास वैद्य सर्टिफिकेट नहीं है सरकार का, कहीं उन्होंने प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, कोई डिग्री नहीं है। ऐसे लोग भी
ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं और शर्म आती है मुझे कि लोग उनको देखते हैं और प्रयोग भी करते होंगे, क्या होता उनके साथ होता होगा। क्योंकि ये जो वैदिक का कार्य है कोई इतना सरल कार्य नहीं है। जब तक रोग की प्रकृति को ना समझा जाए, जब तक औषधि की प्रकृति को ना समझा जाए और अनुपान इत्यादि ना समझे जाए, तब तक किसी का इलाज करना कैसे संभव है। मैं देख रहा हूँ कि जिन लड़कों ने हाई स्कूल भी नहीं किया है, जिनकी मूंछों की रेख तक नहीं निकली है, वो अपने आप को संसार प्रसिद्ध ब्रह्मांड प्रसिद्ध अपने आप को वैद्य घोषित कर रहे हैं। और दूसरे जो वैद्य हैं उन लोगों के बारे में उनके भद्दे कमेंट आते हैं, दूसरे गुरुओं के बारे में भद्दे कमेंट आते हैं और अपने आप में अपने बारे में वो गुरु जी लिखते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि ये लोगों की बात है, ये लोग अपना जो लोग देखते हैं वो खुद समझेंगे। और बहुत सारा पैसा वो एक एक बीज का 500-500 रुपए किसी, अब मैं आपको अभी ऐसे नहीं बताऊंगा, जब आप कभी फोन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि एक बीज किसी पेड़ का, एक बीज का कीमत वो 500 रुपए तक लेते हैं और एक पेड़ की कीमत 3-3 हजार तक वसूल कर रहे हैं और दूसरों को वो ठग घोषित करते हैं। और जिनको तंत्र साहित्य की, जिनको मंत्र साहित्य की, जिनको अध्यात्म की ये भी सीढ़ी नहीं आती, वो अपने आप को ब्रह्मांड गुरु घोषित करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सभी लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो अवेयरनेस आपके अंदर भी होनी चाहिए कि कम से कम जिससे इलाज लें तो वो वैद्य, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और तंत्र साहित्य में, योग साहित्य में भी जो बात करे, किसी साधना की बात करे, तो उसको कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसने कुछ किया हो, अपने आप को तपस्या में तपाया हो। ये नहीं कि मोबाइल लेकर के बैठ गए और जो मन में आया अनाप शनाप बोल दिया और ऐसे ऐसे शब्दों का वो प्रयोग करते हैं लुभावने कि वो वायरल भी हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को इसमें स्टेप लेना चाहिए, भारत सरकार को कुछ तो मतलब झूठ रुके। झूठ का पर्दाफाश हो, झूठ रुके और बेचारे जो लोग दवा मंगाते हैं उनके यहाँ से या दवा इलाज कराते हैं, कम से कम उनके जीवन की रक्षा होनी चाहिए और उनको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अब ये अवेयरनेस तो भाई आप लोगों के अंदर होनी चाहिए, हम किस वीडियो को देखें, किसको फॉलो करें, आप ही बताइए कि जो लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, जिनके पास चिकित्सा कर्म करने का वैध सर्टिफिकेट है, उनके आगे क्या ये नौसिखिए लोग जिनकी ना तो उम्र है ना तजुर्बा है,
उनको बोलने तक की तमीज तो है नहीं, वीडियो में गालियां देते हैं। बाकी मैं उस ऊपर वाले पर छोड़ता हूँ क्या कहना है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो बात आज कही है इस पर आप ध्यान देंगे। और एक बात बताना चाहूँगा कि अभी भी समय है, जो आपका गुरु पूर्णिमा शिविर है उसके लिए पंजीकृत हो लें। और ये दुर्लभ समय जो 149 वर्षों बाद आया है इसका लाभ उठा लें। योग मंत्र साहित्य तंत्र आगम शास्त्र जो है ये कोई हंसी खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। मन मार करके वर्षों तक जो व्यक्ति साधना करता रहा हो उसी के भीतर कोई ऐसी बात आती है, उसी के भीतर ऐसी शक्ति आती है जिसके माध्यम से वो कार्य करते हैं। तो जो इस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं थोड़ा सा ये भी देखें कि हर व्यक्ति क्या कहते हैं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर कोई ऐरा गहरा वैद्य नहीं हो सकता, हर कोई ऐरा गहरा अपने आप को तांत्रिक कहता, अपने आप को गुरु कहता है नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य ये बताने का यही है कि आप अवेयरनेस आपके अंदर आवे और सही और गलत की पहचान आप कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमें भारत की अध्यात्म विद्या को, भारत के गौरव को पुनः उसी स्थान पर प्रतिष्ठित करना है जहां पर कभी था। सर्वश्रेष्ठ धर्म से हमारा नाता है सनातन हिंदू धर्म, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि आप अगर इसमें पैदा हुए हैं तो संसार के सबसे भाग्यशाली आप हैं जो हिंदू बनकर के पैदा हुए हैं। और ये अध्यात्म का क्षेत्र हाथ पसार करके आपका आवाहन कर रहा है कि इसकी गरिमा को, इसकी महत्ता को, इसकी महानता को, इसकी विश्व व्यापकता को आप अपने आप में समेटें और आप खुद भी सफल हों, दूसरों को भी सफल बनावें। इसी के साथ यह भी कि आप सारे कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, आपके पास एक गैर जरूरी काम के लिए पैसा हो सकता है, अध्यात्म क्षेत्र को भी आप टाइम दें, मेहनत दें और उसमें जो भी निवेश करेंगे अध्यात्म के क्षेत्र में जो भी निवेश करते हैं सफल होने के बाद वो हजारों गुना होकर के आपको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।